तेरे को दिखता नहीं रे इतने बार आता तो ये देखो देखो भाई गाड़ी वाला उड़ाने वाला था इन लोगों को, इतनी घाई थी। अभी अरे देखो आवाज कैसी आ रही है, देखिए आपने छोटा सा भी दशका लगे ना तो गाड़ी एकदम खड़क से आवाज कर देती है। बट हाथ नहीं दिया उन्होंने, कुछ काम होगा चालन फाड़ने के लिए रहे बैठे यहाँ पे। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से मोटो ब्लॉग में। और आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, कंटेंट की कमी नहीं है बस टाइम की कमी है। इसलिए है क्योंकि सुबह मुझे जॉब पर जाना होता है और रात को आके एडिट करना पड़ता है। दिक्कत आ रही है, सामने वाला जो मडगार्ड रहता है उसके हो गए नट ढीले, उसके वजह से छोटा सा भी धक्का लगा गाड़ी को तो वो खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ करती है। अभी लगता है पुलिस वाले हाथ तो देंगे बट हाथ नहीं दिया उन्होंने। जब भी मैं ये रोड से जाता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कैमरा हर बार ऑन ही रहे, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े डेंजर हैं। तो ना हमेशा मुझे बहुत मज़ा आता है यार, ऐसा लगता है कहाँ लगी जगह पे आ गए, बाजू से अपनी नाग नदी है और तो इधर रोड साइड में बढ़िया से पेड़ लगे हुए हैं। अभी देखो आवाज़ कैसी आ रही है, देखिए आपने छोटा सा भी दस्ता लगे ना तो गाड़ी एकदम खड़क से आवाज़ कर देती है। क्योंकि हो गया टप्पर ढीला जिसको मैं अभी रिपेयर करवाऊँगा, सोचूंगा आज करूँगा नहीं तो एक स्पेशली उसके ऊपर ब्लॉग बना के करूँगा। और मेरी शॉप तो ओपन हो चुकी है, एक हमारा फैशन का गैरेज वाला है, उसके बाद जाके दिखाता हूँ एक बार गाड़ी को, कितना खर्चा लगता है क्या लगता है फिर सोचते हैं अपन। गाड़ी में बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है, देखते हैं अभी। ये यहाँ से जॉइंट है, वो ये जो ये शॉकर है ना उसको लग के देखो भाई कैसे हिल रहा है। आवाज थोड़ा कम हो गया अभी, पहले जितना नहीं है, पर वो जब बड़ा गड्ढा मिलेगा ना एकदम कैसा कैसा वाला, उसमें पता चलेगा वो आवाज कितने हो गए। ये देखो भी यहाँ पे इतना बड़ा अच्छा खासा लिखा हुआ है और ये यहाँ पे ऐसा कर रहे। अरे इसको पहले इसको डाला ना, वीडियो चालू ही था मेरा, बंद ही नहीं किया था मैंने। दिखा होने के बाद भी लोग ऐसे हरकतें करते गाइस। कचरे का डाल लो, बहुत परेशानी है वहाँ पे, आप करवाने के बाद में किसके मार के वही हाल नहीं। वो जब वो बड़ा गड्ढे में जब जाएंगे ना गाड़ी तब पता चलेगा। हाइट बढ़ गई, वो जो पीछे का था ना, वो जब गाड़ी जब चलाते अपन
गड्ढे में गई जैसे खट से आवाज आता था जोर से। तो वो क्यों आता था क्योंकि उसको बोरी गिर गए थे। हाँ हाँ नहीं मैं यहीं पे छू, अभी 11 बजे दुकान खुलती है, 5 मिनट लेट हो गया, अभी सीधा 12 बजे जाऊंगा। दोनों बोरी गिर गए थे उसके, वो दचके दचके में गिर गए होंगे, वो उसको लेके गया था मैं ऑफ रोडिंग कराने गाड़ी को। हाँ चलो आता। तो अभी भैया ने गाड़ी पूरी करके दी है बट फिर भी मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं है, आवाज तो नहीं आ रही है, बड़े बाद में ही पता चलेगा भाई जब गाड़ी बड़े खड्डे में जाएंगी। तो अभी अपनी गाड़ी ठीक हो गई है, नॉर्मली टेम्पररी ठीक हो गई है, परमानेंट नहीं हुई क्योंकि मैं जब मैं सर्विसिंग करवाऊँगा तब सब कुछ ठीक कराऊँगा अपने गाड़ी का। तो अभी फ़िलहाल अभी अपने शॉप में जाते हैं क्योंकि मैं 5-10 मिनट लेट हो गया था, तो बोला 5-10 मिनट लेट जाके क्या करूँ, पूरा आधा घंटा लेट जाता हूँ। तो अभी गाड़ी ठीक कराए अपन ने और अभी दुकान में जाते हैं। तो अभी दुकान पहुँच गए, रात का क्या सीन है आपको आगे पता ही चलेगा। तो अभी डायरेक्ट जॉब से निकल के मैं शॉप के एक भैया थे उनके घर पे आ गया था गणपति का खाना खाने के लिए। जैसे अभी आप सबको पता ही होगा कि गणपति का सीज़न चालू है, तो उनके घर में गणपति का खाना था, तो मैं अभी खाना खाने आया था और अभी यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ। सो घर का रास्ता बड़ा लंबा है, तो सोचा चलो थोड़ा सा अपना काम ही कर लेते हैं। अपने को इधर जाना है, ये है मानकापुर हाईवे, अगर मेरे पीछे सीधा वो मानकापुर पे जाएंगे फिर मानकापुर से डायरेक्ट कोराडी, और अभी आगे यहाँ सीधा अपन जाएंगे सबसे पहले रानी दुर्गावती स्क्वायर, फिर वहाँ से आदमशाह स्क्वायर, फिर वहाँ से अपने घर। फिर भी 7-8 किलोमीटर का रास्ता है और आपको नागपुर का नाइट लाइफ इंजॉय कराते हैं गाइस। अभी मैं यहाँ पे आया था ना, जब आते समय इस रोड से सीधा अंदर गया था तो पूरा ऑफ रोड था, पूरा गड्ढे गड्ढे चिक्कल से भरा रोड, पूरा फंस गया था। मैं गाड़ी लेके गया और सुबह जो मैंने काम कराया था गाड़ी का, कुछ भी काम हुआ नहीं है अभी भी, फिर भी गाड़ी वैसी दच के आने पर ही कर रही है। मेरे को इधर जाना है और इधर से सीधा रायपुर जाएंगे रास्ता। हाँ 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 सीधा इकड़ून पड़े सीधा अपने। हाँ भाई की गाड़ी बंद पड़ गई है, और ऑफ रोडिंग भाई रास्ता गंदा है, यहाँ धूल ऐसे आंखों में घुस गई है ना, सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, मतलब पूरा ऐसा धुंधला धुंधला सा हो गया है। वाइजर खुला रखा था मैंने जिसके वजह से पूरा धूल हो रही है, रोड बहुत बेकार है। और अपनी गाड़ी में फ्यूल भी नहीं है, मतलब तो अपने घर तक पहुँच जाएंगे। सुबह मेरे को शॉप में आने से पहले फ्यूल लगवाना पड़ेगा गाड़ी में, फिर उनका इंडिकेटर भी आ रहा है। और रात में घूमने का मज़ा ही होता है, मुझे तो सबसे ज़्यादा गाड़ी रात में चलाने में मज़ा आता है, ये पता नहीं क्यों, तो रात में गाड़ी बढ़िया एकदम स्मूथ चलती है, कोई तकलीफ नहीं होती, वाइब्रेट नहीं होती ज़्यादा। तो दिन में चलाते समय गाड़ी बहुत वाइब्रेट हो जाती है। और अपन लोग पहुँच गए हैं फ्लाईओवर पर, ये फ्लाईओवर का नाम है दही बाज़ार पुलिया, इसको दही बाज़ार पुलिया बोलती है। और आजू बाजू का जो एरिया है वो शांति नगर है, और एकदम अच्छा रोड होने के कारण गाड़ी चलाने में तो मज़ा अलग ही आएगा। अभी शायद 26 से आ रही है ना, जिसके वजह से ये बनना चालू है, यहाँ पे मस्जिद का काम चालू है। और ये भाई ट्रक वाले भाई साहब ने देखो गाड़ी कैसी खड़ी कर दी बीच में, इतना ट्रैफिक जाम हो गया इसके वजह से।
और ये भाई साहब निकाल भी नहीं रहे यहाँ से। यहाँ पे बुरा रश है। ये कुछ 26 इनका कुछ कार्यक्रम प्रोग्राम आ रहा होगा पास में, कोई फेस्टिवल, जिसके वजह से वो सब बना रहे हैं। तो अभी अपन लोग हैं आदमशाह स्क्वायर पे। वो देखो भाई, गाड़ी वाला उड़ाने वाला था इन लोगों को, इतनी गाड़ी थी, उड़ा उड़ा दिया रहता पूरा। और आगे गणपति बैठा है गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो हाँ, गणपति की मूर्ति कितनी बढ़िया है। ओ नटरंग नटराज नटराज, वो उसकी तरह है पूरा डांस करते हुए। तो जब भी मैं ना हेलमेट पहनता हूँ ना, तब ऐसा कुछ फील नहीं होता, पर जब मैं हेलमेट पे गोप्रो लगाता हूँ तो गोप्रो के वेट के वजह से हेलमेट ना 10 बार मेरे सर से ऐसे खिसकता ही रहता है। कितना भी टाइट कर लो, कितना भी कुछ कर लो, फिर भी वही होता है। इसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे को, जैसे माइक के लिए किया था तो ऐसे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जूनी अपन है अभी जूनी शुक्रवारी रोड पे, और ये वही रोड है जहाँ पतंग मार्केट लगा था। इस बार भी लगेगा, तब भी हम लोग आएंगे वीडियो बनाने के लिए। मुझे ना ऐसा लगता है कि जो मेरा हेलमेट है और हेलमेट के अंदर जो मैंने मफलर पहना है, उसको पहनकर मैं ज़्यादा देर तक ट्रैवल नहीं कर सकता। मुझे मतलब ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता, तो मुझे इस चीज़ों का थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं इतने दूर से जब ट्रैवल करके आ रहा हूँ तो बहुत तकलीफ हो रही है मेरे को, तो उसको मुझे थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे अभी पता चल रही है क्योंकि मैं कभी मोटो ब्लॉगिंग ज़्यादा लंबा करता नहीं हूँ, आज थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है। तो अभी मुझे ये सब चीज़ें पता चल गई, अभी मुझे इस चीज़ को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, ताकि मेरे आने वाले जो मोटो ब्लॉग रहेंगे वो थोड़े बेहतर रहेंगे। और अभी मैं अपने घर पहुँचने वाला हूँ गाइस। सो ये छोटा सा ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना गाइस। मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो बस। तो मिलते हैं किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। बस घर पहुंचने वाला हूँ, आगे वाले स्क्वायर से अंदर आके मेरा घर है।